यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावत भैनो अते बच्चियो सारियां नू जय यीशु दी। आदर देंदे हुए चर्च आके बरकतां पाके असीं खुदा नूं अपने पाक सिराकत विच खुदा नूं स्वीकार करके बाहर जाने वक्त वो खुदा साढ़े नाल आउणगे, क्योंकि संत पौलुस ने सानूं कहिंदा है तुसीं प्रभु दा मंदिर हो, क्योंकि तुहाडे अंदर कौन रहिंदा है? यीशु रहिंदा है। इसी तरह असीं बहुत बढ़िया ढंग नाल खुदा दा ये पाक दिन मनाउण दे लई आईए, तुसीं देखणा फिर तुहाडे घर विच किन्नियां बरकतां आउणगे। तुहाडे घर तो शैतानी ताकत आपे निकल जाऊगा, क्योंकि तुहाडे जिस क्योंकि तुसी यीशु नूं इतने आदर नाल प्यार नाल आदर करके ले आया है। वो यीशु तुहाडे अंदर होता तो फिर शैतान तुहाडे सामने किवें खड़े हो सकता है? तुहाडे दुख तकलीफ दा बोझ उसी वक्त निकल जाएंगे, क्योंकि तुहानूं पता लगदा है मैं इकल्ला नहीं हाँ, मेरे प्रभु यीशु मेरे अंदर वसदा है, मेरे प्रभु यीशु मेरे नाल है। क्योंकि खुदा ने सानू ये कहिंदा है युग दे अंत तक मैं तुहाडे नाल रहांगा, एक पल भी साडे प्रभु यीशु सानू छड़ के नहीं जांदा है। मेरे प्यारियो, असी हमेशा एक खुदा दा ये महान प्यार नू अनुभव करके इतवार मनाउणा। इतवार दे दिन साडे लई इक बोझ दा दिन नहीं होना चाहीदा है। कदी कदी लोग बोलते हैं फादर जी आज एक ही छुट्टी दा दिन है, आपां तुहाडा सोना चाहुंदे आ, पर जी असी तंग सानू तंग ना करे। बहुत सारे लोगों के लिए हजे इतवार चर्च जाना बहुत बड़ा तंग दा गल है, साढ़े आराम निकल गया। बल्कि प्रभु ने बोला तू मेरे को आके आराम पाओ, दुनिया तू देन देन वाला आराम तेन आराम नहीं है, तू मेरे को आना। असी जो ये समझ जाइए मेरे चर्च जाके मैं की मिलता है, मेरे चर्च जाके मेरे प्रभु दे संग मिलता है, मेरे प्रभु मेरे अंदर आ, फिर असी बाकी सब कुछ छड़ के इतवार के दिनों में चर्च जरूर आवे। कुछ बच्चे मैंने बोलते हैं फादर जी सानू थोड़ा ज़्यादा सोने की समय इतवार है, क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। कुछ लोग बोलते काम से जाना नहीं है, फिर असी सोने दो चो क्यों चर्च जाना। मेरे बच्चियो तुसी समझ लो एक चर्च आके इतवार को मनाने दे रहे तुहानू की मिलता है, तुहानू दुनिया दे कोई चीज़ नहीं मिलेगा शायद, बल्कि खुदा दा शाम दी आमन अते खुदा मिलता है। जब खुदा तुहाडे कोल है, जे दुनिया के खालिक ते मालिक तुहाडे अंदर है तो तुहानू कोई चीज दा कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जिस सारी चीज़ां नू बढ़िया वो खुदा मेरे अंदर है, फिर मैं कोई चीज़ दा कमी क्यों। इसलिए जबूर लिखन वाला लिखिया मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, मैनू कोई चीज़ की थुड़ नहीं है। जबूर लिखन वाले की जिंदगी की एक ही बात है प्रभु तेरे नाल ही रहना। उत्ते लिखा है हजार तुहाडे ने नाल रहन वाला एक पल भी हजार सालों की बेहतर है, बाहर रहन वाले हजार सालों तो बेहतर है, प्रभु तुहाडे नाल तुहाडे मंदिर विच तुहाडे चर्च विच रहना एक पल भी। क्योंकि मैं इत्थे किन्नू वेखदा खुदा दुनिया के खालिक दे मालिक प्रभु यीशु दे नाल ही मैं जिंदगी बिताऊंदा। श्री मेरे प्यारियो इतवार के दिन असी कदी नहीं छड़ना,